तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले ही वीडियो में सभी कारणों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन के दौरान यह तय किया गया था कि सोवियत यूनियन यूरोप में युद्ध खत्म होने के बाद जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा और 15 अगस्त की तारीख तय की गई थी। लेकिन 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के कारण सोवियत यूनियन ने 8 अगस्त को ही हमले की शुरुआत कर दी, क्योंकि परमाणु हमले की जानकारी सोवियत यूनियन को नहीं दी गई थी, इसलिए ये देश आपसी विश्वास खोते जा रहे थे। और 10 अगस्त तक सोवियत यूनियन की रेड आर्मी उत्तरी कोरिया में घुसना शुरू कर चुकी थी और वही वाशिंगटन में अमेरिकी कर्नल डीन रस्क और चार्ल्स एस बेनस्टील को कोरिया के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने कोरिया में एक 38 पैरेलल लाइन खींच दी और इस तरह से कोरिया का विभाजन हो गया। हालांकि 16 अगस्त तक रेड आर्मी इस लाइन के नजदीक तक पहुंच चुकी थी और अमेरिकी सेना की गैर मौजूदगी में और भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन जोसेफ स्टालिन ने सहयोग का वादा किया था और रेड आर्मी ने 3 सप्ताह तक इस लाइन पर अमेरिकी सेनाओं का इंतजार किया। जैसा कि मॉस्को सम्मेलन में यह तय किया गया था कि कोरिया पर सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों पर 5 साल के ट्रस्टीशिप के बाद कोरिया को स्वतंत्र कर देंगे, इस दौरान साउथ कोरिया को अमेरिका की सैन्य सरकार यानी कि यूएसए मैजिक ने कंट्रोल किया। लेकिन कोरियाई लोगों को यह सब पसंद नहीं आया, वो अब विदेशियों से उब चुके थे, वो जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए कोरिया में जल्द ही चुनाव कराने पड़े और 20 जुलाई 1948 तक सिंगमिन री साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बन चुके थे और वहीं सोवियत यूनियन ने उत्तरी कोरिया की कमान किम इल संग को दे दी यानी कि दद्दू को। सोवियत यूनियन ने 1948 तक कोरिया से अपनी सारी सेनाएं वापस बुला ली थी और वहीं यूएसए ने भी 1949 तक अपनी सेनाएं साउथ कोरिया से हटा दी और ये वही साल था जब चीन में वहाँ की राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच गृह युद्ध चल रहा था, जिसमें उत्तर कोरिया ने चीन के कम्युनिस्टों की मदद की क्योंकि कम्युनिस्ट तो भाई भाई होते हैं। इस दौरान साउथ कोरिया में कम्युनिस्टवादियों ने भी विद्रोह कर दिए, लेकिन कोरियाई सरकार और अमेरिका ने मिलकर इन विद्रोहों को 1950 तक पूरी तरह से दबा दिए थे। इस दौरान उत्तर कोरिया के लीडर यानी कि हमारे किम जोन के दादा किम इल संग का मानना था कि इन विद्रोहों के कारण साउथ कोरिया काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए यही युद्ध का सही समय है। इसलिए दद्दू ने स्टालिन को मनाने की भी कोशिशें शुरू कर दी, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं। स्टालिन ने शुरू में तो मना किया, लेकिन बाद में जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार की जीत हो गई और साथ ही सोवियत यूनियन भी एक परमाणु संपन्न देश बन चुका था, इसलिए स्टालिन ने भी युद्ध के लिए हाँ भर दी। साथ ही स्टालिन का यह भी मानना था कि चाइनीज सिविल वॉर के दौरान अमेरिका ने सीधे तौर पर कम्युनिस्टों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए शायद अमेरिका कोरिया में इतनी दिलचस्पी न ले। और अप्रैल 1950 तक स्टालिन की सहमति के बाद दद्दू ने माओ को भी मना लिया और युद्ध की तैयारियां शुरू होने लगी। हालांकि स्टालिन ने यह भी साफ कर दिया था कि रेड आर्मी खुलेआम युद्ध में भाग नहीं लेगी ताकि अमेरिका के साथ कोई युद्ध की स्थिति ना बने। इस दौरान सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वॉर टू के अनुभवी जनरलों को उत्तर कोरिया भेजा और इन जनरलों ने मई तक अपनी योजनाएं बना ली थी, जिसमें यह तय हुआ था कि कोरिया के पश्चिमी तट यानी कि ओगजिन प्रायद्वीप पर लड़ाई की शुरुआत की जाएगी। जब साउथ कोरिया इसका जवाब देने आएगा तो राजधानी सियोल पर हमला किया जाएगा और चारों ओर से घेर कर साउथ कोरियन आर्मी को नष्ट कर दिया जाएगा, बाकी फिर कोरियन सरकार को भी खत्म कर दिया जाएगा और पूरे कोरिया पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हालांकि बाद में दद्दू यानी कि किम इल संग ने अपना प्लान बदल दिया क्योंकि उन्हें लगा कि साउथ कोरिया तक इस हमले की जानकारी पहुंच चुकी है और नए प्लान के अनुसार सीधे सीमा पर हमला किया जाएगा। हालांकि साउथ कोरिया को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी कई जासूसों और अमेरिकी अधिकारियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि हमला होने वाला है, लेकिन पहले भी उनकी भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही थी, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर अमेरिकी दृष्टिकोण की बात करें तो हाँ, स्टालिन सही थे। अमेरिका को कोरिया में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, अमेरिका का सारा ध्यान यूरोप पर था ताकि यूरोप में कम्युनिज्म को रोका जा सके। अमेरिकन राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन युद्ध में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अमेरिका पर इस बात का भी दबाव था कि अगर कम्युनिज्म साउथ कोरिया होते हुए जापान में घुस गया तो, और अमेरिका जापान को नहीं खोना चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी अमेरिका को युद्ध में जाना ही पड़ा। बात करें हमले की तो भैया 25 जून 1950 को यानी कि शुभ रविवार की सुबह उत्तर कोरिया ने हमले की शुरुआत कर दी। बहाना तो वही था जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि पहले हमला उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उत्तर कोरिया को सोवियत यूनियन का पूरा सपोर्ट था, इसलिए टैंक
और हथियारों की कमी तो थी ही नहीं। ऊपर से चाइना ने भी अपनी पीएलए आर्मी के 70 से 80 हज़ार सैनिकों को पहले ही नॉर्थ कोरिया में भिजवा दिया था, हालांकि उनकी यूनिफॉर्म भी चेंज कर दी थी ताकि वो कोरियाई सैनिक ही लगे। नहीं उठता। जब यह हमला शुरू हुआ तो साउथ कोरिया की सेना सीमा पर बटी हुई थी और उनके पास कोई एंटी टैंक हथियार भी नहीं थे, इसलिए उत्तर कोरिया के सैनिकों को नहीं रोका जा सका। हमले की शुरुआत 25 जून को हुई और 27 जून तक यह नौबत आ गई कि राष्ट्रपति री को अपनी राजधानी सियोल को छोड़ना पड़ा और 28 जून तक उत्तरी कोरिया की आर्मी ने सियोल पर कब्जा कर लिया। बात करें यूनाइटेड नेशन की तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएन की स्थापना की जा चुकी थी और कोरिया युद्ध उसके सामने पहली बड़ी समस्या थी और 25 जून को ही यूनाइटेड नेशन में उत्तरी कोरिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया जा चुका था। अब यहाँ कई लोग सोच रहे होंगे कि जब सोवियत यूनियन यूएन का परमानेंट सदस्य था तो यह प्रस्ताव कैसे पास हुआ। दरअसल सोवियत यूनियन ने जनवरी 1950 से ही यूएन का बहिष्कार कर रखा था क्योंकि यूएन के 5 परमानेंट सदस्यों में चीन भी शामिल था, लेकिन चाइनीज सिविल वॉर के बाद चीन की राष्ट्रवादी सरकार ताइवान भाग चुकी थी और सोवियत यूनियन चाहता था कि कम्युनिस्ट चीन यूएन का परमानेंट सदस्य बने, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ था, इसलिए सोवियत यूनियन ने यूएन का बहिष्कार कर दिया था, जिसका फायदा अमेरिका को मिला और उत्तरी कोरिया के खिलाफ सोवियत यूनियन की गैर मौजूदगी में ही प्रस्ताव पास होते गए और 27 जून को इसके सदस्य देशों ने साउथ कोरिया को सैन्य सहायता देने की सिफारिश की, जिसके बाद हेनरी ट्रूमन ने इसी दिन अपनी वायुसेना और नेवी को साउथ कोरिया की मदद करने के आदेश दिए। इस तरह से 21 देशों का एक कोलिशन बना और साउथ कोरिया के खिलाफ रणनीति तय की गई। और वहीं अगस्त 1950 में अमेरिकन राष्ट्रपति और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उत्तरी कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए 12 अरब डॉलर का एक सस्ता अतिरिक्त सैन्य फंड तैयार किया। साथ ही पैसिफिक फ्रंट पर वर्ल्ड वॉर टू के हीरो हमारे 5-स्टार जनरल डगलस मैकआर्थर को उत्तर कोरिया के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, जो कि उस समय जापान में अपनी सेना के साथ डटे हुए थे। उसके अलावा रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान की सुरक्षा के लिए 7वें अमेरिकी बेड़े को तैनात किया गया। दोस्तों, कोरिया युद्ध 4 फेसेस में लड़ा गया था, जिसमें पहला फेस शुरू हो चुका था और जून के आखिरी तक उत्तरी कोरियाई सेना यानी कि केपीए सियोल पर कब्जा कर चुकी थी और 5 जुलाई को उत्तर कोरियाई सेना यानी कि केपीए की पहली मुठभेड़ अमेरिकी सैनिकों के साथ हुई, जहां बैटल ऑफ मोसन लड़ी गई। अमेरिकी टास्क फोर्स ने केपीए पर हमला किया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के पास एंटी टैंक हथियार नहीं थे और केपीए के पास सोवियत यूनियन के टैंक थे। इस कारण से इस लड़ाई में अमेरिकी सैनिकों को भारी हार का सामना करना पड़ा और कई सारे सैनिक मारे गए। इस लड़ाई में अमेरिका को 180 सैनिकों का नुकसान हुआ, जिसके बाद केपीए के सैनिक साउथ की ओर बढ़ते गए और व्यांगताक, चेनान और चेचीबोन से अमेरिकी और आरोके की सेना पीछे हटती गई और बैटल ऑफ ताइजान की लड़ाई में भी केपीए जीत गया और ताइजान पर भी कब्जा कर लिया। अगस्त तक केपीए की आर्मी तेजी से साउथ की ओर बढ़ रही थी, जबकि आरोके और अमेरिकी सेना पीछे हटती जा रही थी। कोरियाई युद्ध के लिए जो 12 अरब डॉलर का सस्ता बजट तैयार किया गया था वो काफी कम था। राष्ट्रपति ट्रूमैन को अब समझ आ गया था, क्योंकि बिना किसी एंटी टैंक हथियारों के लड़ना मुश्किल था और सितंबर की शुरुआत तक पुसान के रेडियस में यूएन की सेना सीमित रह गई थी, बाकी पूरे कोरिया पर केपीए का कब्जा हो गया था और शुरुआती जीत से खुश होकर दद्दू ने तो यहाँ तक की भविष्यवाणी कर दी थी कि अगस्त के अंत तक ही कोरिया पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन दद्दू युद्ध तो अभी शुरू हुआ था और यहाँ से शुरुआत होती है युद्ध के दूसरे चरण की यानी कि फेज टू की, जिसमें यूएसएफ यानी कि अमेरिकन वायुसेना के हमले शुरू हुए और केपीए के जीते हुए क्षेत्रों पर अमेरिकन वायुसेना ने अपार हमले किए, जिसमें मुख्य पुलों पर, पेट्रोलियम रिफाइनरियों पर और बंदरगाहों को टारगेट किया गया। ये हमले इतने खतरनाक थे कि केपीए के सैनिकों को दिन में सुरंगों में घुसना पड़ता था, वे रात में ही आगे बढ़ते थे। इस दौरान अमेरिकन सेनाएं लगातार पुसान में लैंडिंग करती रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब मैकआर्थर ने इंचोन में एक आश्चर्यजनक लैंडिंग की, जिसका अनुमान ना तो दद्दू लगा पाए और ना ही चीन और सोवियत यूनियन। दरअसल मैकआर्थर का प्लान था कि इंचोन में लैंडिंग करके केपीए की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और महत्वपूर्ण राजधानी सियोल पर फिर से कब्जा कर लिया जाए। और 15 सितंबर तक यूएन की सेना इंचोन में लैंडिंग शुरू कर चुकी थी और सियोल के पास केपीए के बलों को हराया भी और 25 सितंबर तक सियोल पर फिर से कब्जा कर लिया। वहीं दो तरफा हमलों के कारण पुसान रेडियस में केपीए की आर्मी भी पीछे हटने लगी
और सितंबर के अंत तक युद्ध पूरी तरह से पलट गया और केपीए की आर्मी अब उल्टा 38 पैरेलल लाइन के पीछे आ गई। इस दौरान मैकआर्थर के पास आदेश आया कि सीमा के उस पार हमला करके केपीए को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए और पूरे कोरिया का एकीकरण किया जाए ताकि पूरे के पूरे कोरिया से कम्युनिज्म का पूरी तरह से सफाया हो जाए। 29 सितंबर तक मैकआर्थर ने सिगमिन री की सरकार को वापस स्थापित कर दिया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सिगमिन री एक तानाशाह थे। उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई और जरा सा भी शक होने की स्थिति में कम्युनिस्टों को सीधे मौत दी गई। इस दौरान धमकियों का दौर भी शुरू हो गया क्योंकि उत्तर कोरिया अब लगातार हार रहा था। इसलिए 30 सितंबर को झाओन लाई ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर 38 पैरेलल लाइन से आगे बढ़े तो चीन भी कोरिया में घुस जाएगा। लेकिन अमेरिका को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। अमेरिकी जनरल मैकआर्थर ने उल्टा केपीए को चेतावनी दी कि अगर 7 अक्टूबर तक बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं किया तो यूएन की सेना 38 पैरेलल लाइन को पार कर देगी। लेकिन केपीए नहीं माना, जिसके बाद यूएन की सेना उत्तरी कोरिया में घुस गई और 19 अक्टूबर तक राजधानी प्योंगयांग पर कब्जा कर लिया। इस दौरान यूएन की सेना ने केपीए के करीब 135,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और 200,000 के करीब सैनिकों को मार डाला और चीन से सटे क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूरे कोरिया पर यूएन का कब्जा हो गया। लेकिन इस दौरान मैकआर्थर ने वो गलती कर दी जिसके बारे में अमेरिकन राष्ट्रपति पहले ही आगाह कर चुके थे। दरअसल ट्रूमैन पहले ही मैकआर्थर को आगाह कर चुके थे कि भाई चीन की सीमा का नाम मत लेना, बाकी सब कर लेना, यानी कि यालू नदी को पार नहीं करना है। लेकिन चीन कोरियाई सीमा पर चीन लगातार कोरिया में युद्ध सामग्री सप्लाई कर रहा था और मैकआर्थर इसे बंद कराना चाहते थे, इसलिए यूएन की सेना चीन की सीमा के काफी करीब पहुंच गई थी। साथ ही मैकआर्थर का मानना था कि चीन शायद ही इस युद्ध में शामिल हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चीन भी इस युद्ध में शामिल हो गया और इस तरह से युद्ध का तीसरा चरण शुरू हुआ, यानी कि फेज 3। 19 अक्टूबर को चुपके से चीनी सेना ने यालू नदी पार कर ली। मैकआर्थर का मानना था कि बिना किसी हवाई कवर के चीनी सेना युद्ध में नहीं आएगी, लेकिन स्टालिन ने चीनी सेना को हवाई कवर देने का वादा कर दिया और चीन युद्ध में घुस गया और मोनजोंग की लड़ाई में आरओके यानी कि साउथ कोरियन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। चीन और अमेरिकी सेनाओं की पहली मुठभेड़ 1 नवंबर 1950 को हुई थी। चीन के पास विशाल सेना थी और सोवियत यूनियन का हवाई कवर भी था, इसलिए स्थितियां फिर से बिगड़ने लगी। आलम यह था कि यूएन की सेना को वापस 38 पैरेलल लाइन के पीछे हटना पड़ा और 4 जनवरी 1951 तक चीन और केपीए की सेना ने वापस से सियोल पर कब्जा कर लिया और लगातार हार से परेशान होकर मैकआर्थर ने चीन के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल की सिफारिश भी की, हालांकि उनके विचार से राष्ट्रपति सहमत नहीं थे। तीसरे फेज की इस लड़ाई में चीन और केपीए की सेनाएं और आगे बढ़ती गईं, लेकिन यूएन की सेना ने फिर से जवाबी हमले शुरू की और युद्ध का चौथा चरण शुरू हुआ, यानी कि फेज 4। ऑपरेशन किलर के बाद ऑपरेशन रिपट शुरू किया गया और 14 मार्च तक वापस से सियोल पर यूएन की सेनाओं ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के दौरान सियोल पर 4 बार हमले हुए थे और 15 लाख की आबादी वाला यह शहर 2 लाख की आबादी तक ही सीमित रह गया। फेज 4 की लड़ाई में चीन की सेना फिर से हारने लगी। उसे हवाई कवर की जरूरत थी, इसलिए स्टालिन ने 2 एयरफोर्स डिवीजन और 3 एंटी एयरफोर्स डिवीजन को चीन की सहायता के लिए भेजा, लेकिन अब युद्ध फंस चुका था। इस दौरान 11 अप्रैल 1951 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मैकआर्थर को सुप्रीम कमांडर के पद से निकाल दिया क्योंकि इनके बीच सहमति नहीं बन रही थी। साथ ही पूरे कोरियाई युद्ध के दौरान मैकआर्थर जापान से ही दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने एक भी रात कोरिया में नहीं बिताई थी, इसलिए मैकआर्थर चीलम तंबाकू के डिब्बे के साथ चलते बने। यह युद्ध अब गले की हड्डी की तरह फंस चुका था। चीन अच्छी टक्कर तो दे रहा था, लेकिन उसका नुकसान भी अच्छा खासा हो रहा था। उसके पास सेना की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन यूएन की सेना भी अब आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और अंत में स्टालिन की मौत के बाद सोवियत यूनियन भी इस युद्ध को अब आगे नहीं खींचना चाहता था तथा 27 जुलाई 1953 को पनमुनजोम में युद्ध के विराम पर हस्ताक्षर किए गए और 38 पैरेलल लाइन के पास 2 किलोमीटर का बफर जोन बना दिया गया। हालांकि आज भी उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया युद्ध में शामिल है। युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बस एक अल्प विराम लग गया है। इस युद्ध विराम ने भारत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सैनिकों की अदला बदली में काफी मदद की। इस पूरे युद्ध में साउथ कोरिया को 1,87,000 सैनिकों का नुकसान हुआ, यानी कि इस युद्ध में इतने सैनिक मारे गए
घायल सैनिकों की संख्या तो और भी कहीं ज्यादा थी। वही अमेरिका को भी अपने 36,000 सैनिकों की कुर्बानी देनी पड़ी और 1,00,000 के करीब सैनिक घायल हुए। बाकी यूएन सदस्य देशों को उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यूएन की सेना में अमेरिका की भागीदारी 80% थी, यानी कि अमेरिका ही मेन था। और वही बात करें उत्तर कोरिया की, तो इसे भी 2 से लेकर 4 लाख तक के सैनिकों का नुकसान हुआ था और चीन को भी करीब 2.25 लाख सैनिकों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। हालांकि सोवियत यूनियन सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं था, इसलिए उसे कोई खास नुकसान नहीं उठाना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह से कोरियाई युद्ध खत्म हुआ और जहां एक तरफ साउथ कोरिया ने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया और आज वहां लोकतंत्र है। जीडीपी पर कैपिटा के मामले में आज साउथ कोरिया भारत से भी कहीं गुना आगे है और वह एक विकसित देश भी है। और वही नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है जहाँ आज भी तानाशाही ही चलती है। दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।